हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 7 की जो प्रॉब्लम है आपकी 7.9 की, देख लेते क्या है। एन एलिमेंट इन अ स्ट्रेन्ड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव स्ट्रेस लाइक 200 मेगा पास्कल, क्योंकि कंप्रेसिव कंपोनेंट दिया है तो सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 200 आएगी क्योंकि उसने कंप्रेसिव लिख रखा है। उसके बाद कह रहे हैं एंड ए क्लॉक वाइज शेयर स्ट्रेस, यानी कि अभी शेयर स्ट्रेस जो दे रखी है टाउ एक्स वाई की वैल्यू प्लस में आ गई, और वो भी कितनी आपकी 50 मेगा पास्कल। ऑन द सेम प्लेन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइन एट द 35 डिग्री। तो जो थीटा की वैल्यू है वो भी इसने 35 डिग्री दे रखी है। तो उसने बोला है कि आपने ये बता दिया, तो ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस इन दी एलिमेंट। तो मैं फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ क्या फॉर्मूला यूज होगा। सिग्मा वाई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला रहेगा जो कि 7.8 वाला है। कैसे आया मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि सिग्मा एन इज इक्वल सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई बाई 2 होता है, माइनस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा की बात होती है, माइनस के टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा की बात होती है। तो यहाँ पे जो बाई वाला कंपोनेंट है वो 0 हो चुका है क्योंकि आपको वैल्यू गिवन ही नहीं दी है। तो फॉर्मूला बन जाता है आपका सिग्मा एक्स बाई 2 माइनस के सिग्मा एक्स बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस के टाउ एक्स बाई साइन 2 थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, माइनस की दे रखी है पहली वैल्यू माइनस 200, तो माइनस 100 होगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 100 कॉस 2 थीटा 70 डिग्री लेंगे, ये माइनस ही रहेगा टाउ एक्स बाई साइन के 70 डिग्री, और टाउ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आपके पास 50, और ये साइन। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है देख लीजिए भाई, आप देखेंगे फॉर्मूला वही लगाया जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वही वैल्यू आ रही है माइनस के 100 दिख रहा है आपको, यहाँ मिस्टेक किया, ये 100 होगा, 100 इंटू 0.34 जो कि वैल्यू निकल के आ रही है उसकी सॉल्व करने के बाद, ये 50 क्योंकि माइनस में आता क्योंकि ये प्लस है क्योंकि उसने क्लॉक वाइज दिया है। जब इसको सॉल्व किया तो वैल्यू निकल के आ रही है माइनस के 112.9 मेगा पास्कल, सिंपल सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू है। सिग्मा टेंजेंशियल की बात करेंगे तो ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर से कॉस की जगह साइन और साइन की जगह कॉस हो जाएगा, तो आप देखेंगे और ये वाली चीज गायब हो जाएगी, ये चीज आती नहीं है आपके शेयर के केस में। तो सिग्मा एक्स वाई 2 कॉस की जगह साइन हो गया और माइनस के टाउ एक्स वाई साइन की जगह कॉस हो गया। वैल्यू पुट करिए सिंपल तरीके से, कैलकुलेटर से सॉल्व किया, वैल्यू निकल गया यहाँ पे आपके सामने टेंजेंशियल स्ट्रेस की कितनी है माइनस के 111.07 मेगा पास्कल। तो ये दो वैल्यू मेरे को निकल के आई नॉर्मल स्ट्रेसेस की और शेयर स्ट्रेसेस की। इसके बाद मुझे रेडियस निकालनी है, तो रेडियस का फॉर्मूला मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूं तो अभी भी लिख देता हूं, टाउ एक्स वाई अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस के टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा वाई दे नहीं रखी तो ये हट जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस के टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे है थोड़ा सा वैल्यू पुट कर रहे हैं उसकी, सिग्मा एक्स वैल्यू माइनस में दे रखा है तो माइनस के 100 का स्क्वायर होगा, 200 डिवाइडेड बाय 2 होगा, प्लस के 50 का स्क्वायर होगा। माइनस में कोई वैल्यू है तो स्क्वायर करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे 111.8 मेगा पास्कल। सिंपल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।